बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्म, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली नशिस्त में हम लोग ने पढ़ा था मज़मून अवेसी की उसूल, कि हम लोग कोई मज़मून लिख रहे हैं तो उसके क्या उसूल हैं। आज हम अपनी वर्कशीट करेंगे मुहावरे। सही, अभी देखिए स्क्रीन पे सब। आज हम ये वर्कशीट करें। सही, सबकी वीडियोस नजर आनी चाहिए ताकि मैं सबको देखें। आवाज सबको आ रही है? समझ में आ रहा है सबको? शाबाश। यस जैन, अपनी वीडियो खोलिए। ये ओप्पो के नाम से कौन है? काइंडली अपना नाम रीनेम कर दीजिए। यस मामून, वीडियो मुसहैब। चलिए इधर देखिए, यहाँ आज हम करेंगे वर्कशीट बराए मुहावरात। सही, अब ये देखिए यहाँ है आपके पास सवाल। मुहावरे में खाली जगह पर जो लफ्ज लगना चाहिए उसके गिर्द दायरा लगाएं और मुहावरा मुकम्मल। मिसाल के तौर पे नंबर एक, डैर छिड़ना। सही, तो यहाँ पे आपको दो लफ्ज दिए गए हैं, जिक्र या अल्फाज। जो लफ्ज सही होगा आप उस पे दायरा लगाएंगे और इस मुहावरात को मुकम्मल करेंगे। मिसाल के तौर पे ये है जिक्र छेड़ना। ठीक, उसको एडिट करके मुझे बताती हैं। इसमें एडिट, जैसे कि ये है एक मिनट, ये वर्कशीट आज हम करेंगे। सही, जिक्र तो क्या आ गया हमारा? जिक्र छेड़ना, ठीक है, किसी के बारे में बात करना, गुफ्तगू करना। ठीक है, अब नंबर दो देखिए, आए डैश। अब इन अल्फाज में से चुनना है बात या दिन, तो इसमें क्या आएगा? आएगा बात, आए दिन आएगा, आए दिन। तो इस पे क्या लगाएंगे हम लोग? दायरा लगाएंगे। ठीक है, आए दिन जो सही होगा उस पे हम दायरा लगा देंगे। सही जी, किसने हाथ उठाया है? जी बताइए, दिखाइए जरा। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, ये जो खाली जगह दिए हुए हैं उसमें ये इन अल्फाजों में से ये अल्फाज चुन को मुहावरात को मुकम्मल करना है। जैसे कि आए दिन, डैर सुनाना, बातें सुनाना, ये मुहावरा मुकम्मल हो गया। चेहरा डैर जाना, चेहरा उतर जाना। सही, इन मुहावरात को देखते हुए आपको ये मुकम्मल करना है। आया समझ में? हाँ, अब वर्कशीट निकाल कर रखिए आप लोग ताकि आप लोग करते हैं। खैर डैश लेना मतलब कि खैर खबर लेना। सही,
हाँ किसने हाथ उठाया था बताइए। यस अभिहा। मैं यस बेटा चैप्टर के पास जो वर्कशीट है इसमें ऑलरेडी लव्स पे सर्कल हुआ हुआ है। लव्स पे सर्कल हुआ जी। अच्छा जरा देखते हैं, रुक जाइए। और मिस नंबर 5 का क्या होगा? प्यासा होना या तमाम होना? जी बेटा नंबर 5 पे है डैश होना, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए तमाम होना या फिर प्यासा होना। डैश होना, तमाम होना, क्या होगा? तमाम होना, सही। चले आपको ना वीडियो ये शेयर कर रहे हैं हम सब, देखिए यहाँ पर दोबारा से। हाँ अभी आपने आपको म्यूट कर लीजिए बेटा। हाँ अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 है डैश छेड़ना, जिक्र छेड़ना, जिक्र आएगा अल्फाज पे नहीं, ऊपर वाला अल्फाज होगा तो उस पर गलती से चला गया होगा, यहाँ है जिक्र छेड़ना नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है आए डैश, आए दिन, आए दिन एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है अक्सर, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 है डैश सुनाना, डैश सुनाना क्या होगा? बातें सुनाना, जिंदगी सुनाना नहीं, क्या होगा? बातें सुनाना, ठीक है, कि वो आए दिन मुझे बातें सुनाती रहती है, ये होगा। नंबर 4 चेहरा डैश जाना, चेहरा उतर जाना, अलिफ टे रे उतर, ठीक है। अब है नंबर 5 डैश होना, तमाम होना मतलब कि खत्म हो जाना, उसका किस्सा तमाम हो गया, ये मुहावरे में इस्तेमाल करना है हम लोगों को। नंबर 6 खैर डैश लेना, खैर खबर लेना मतलब कि आपकी खैर खबर लेना, खैरियत लेना, इसको कहते हैं मुहावरा है ये, ठीक है। नंबर 7 डैश हारना, हिम्मत हारना, ये एक मुहावरा है, हिम्मत हारना, तो कि नींद हारना नहीं आएगा, ये आएगा हिम्मत हारना, हिम्मत सही, यहाँ क्या आएगा? हिम्मत, ठीक है। तो ये हमारे महाभारत इसके करवाने का मकसद ये है बच्चा कि ये आप लोग को थोड़ा सा ना पता चले कि ये के कौन से अल्फाज में लगेंगे और कौन से महाभारत इसमें बनते हैं। अच्छा अब ये जो महाभारत हमने बनाए हैं ना, ये नंबर 1 है जिक्र छेड़ना, आए दिन डैश बातें सुनाना, चेहरा उतर जाना, तमाम होना, खैर खबर लेना, हिम्मत हारना, इसमें हम लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला कल नहीं फ्राइडे को, फ्राइडे को तो आप लोग का क्विज है, आप सबको, अच्छा आप सबको मिस ने क्विज असाइन कर दिया है, क्विज की डेट दे दी है, जिस दिन क्विज होगा उसी दिन मैं आपको लिंक भेजेंगे और आपको क्विज अटेम्प्ट करना होगा। टाइम होगा आपके पास 55 मिनट्स का, 10 मार्क्स का क्विज होगा आपको, आपको 55 मिनट्स के अंदर उस क्विज को करना है और सबमिट करवा देना है, ठीक है। सबको आवाज आ रही है? आवाज आई है? ठीक है। अच्छा अब नीचे वाली मश देखिए बेटा, नीचे वाली मश देखें। हाँ दर्जा जे महावरात की मदद से खाली जगहों को पूर्ण करें। हमारे मुल्क में डैश बिजली का बहरान है, ऊपर जो आपको महावरात दिए हुए ना उन्हीं की मदद से आप लोगों को ये खाली जगह पूर्ण करनी है, ठीक है। हमारे मुल्क में डैश, एक मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी यहाँ आवाज आ रही है सबको? शाबाश जबरदस्त। हमारे मुल्क में डैश बिजली का बहरान रहता है, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? आए दिन, तो कौन सा मुहावरा हमने ले लिया? नंबर 2 वाला आए दिन, सही। आवाज आ रही है असरा? आवाज आ रही है आपको? सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस राबिया। जी बेटा ओवर टू यू राबिया। अच्छा रजा, वेरी गुड, आपने कर लिए, शाबाश अरहम, जबरदस्त कर लिया आप लोगों ने। हाँ अब राबिया, जी राबिया अब बताइए क्या पूछ रही है बेटा। जी आज रस्ते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जी जी बताइए वाली जो मक्स है उसमें 4 वाला नहीं आ रहा। अच्छा सही, अभी बता देते हैं, डोंट वरी, अभी सबको मिस बता देती है। अब देखिए
इधर देखिए बाप, नंबर एक है हमारा, हमारे मुल्क में डैश बिजली का बहरान रहता है, आएगा आए दिन, अक्सर, आए दिन मतलब अक्सर, अक्सर बिजली का बहरान रहता है, पानी का बहरान रहता है, ठीक है। अब आइए नंबर दो, नायला ने अब्बू का डैश कर सबको रुला दिया, नायला ने अब्बू का जिक्र छेड़कर, नंबर एक वाला यहाँ पर आएगा, जिक्र छेड़कर, वेरी गुड जैन, सही। अब नंबर तीन देखिए बच्चों, हमारे रिश्तेदार कभी कभी हमारी डैश पूछने आ जाते हैं। नंबर छह, खैर खबर, हमारे रिश्तेदार कभी कभी हमारी खबर पूछने आ जाते हैं, तो नंबर तीन पे क्या आएगा, खैर खबर, ठीक है। आया समझ में, आ रहे अरहम, असरा, आया समझ में असरा, मुर्तुजा, वेज मुर्तुजा, मामून, मुर्तुजा, अरहम, अरहम की तो हाँ, तीनों भी वीडियोस खोलिए। नंबर चार देखें, अरहम ने तो खोली हुई है, मामून बेटा अपनी वीडियो दिखाइए जरा हमें। अब नंबर चार देखें, डैश बहादुरों की शान नहीं है हिम्मत हारना। नंबर छह पे क्या आएगा, डैश बहादुरों की शान, बहादुरों की शान नहीं है तो क्या होगा, हिम्मत हारना, सही। आगे अरबिया समझ में क्या आएगा इसमें, हिम्मत हारना बहादुरों की शान नहीं है। नंबर पांच, बहादुर लड़कों ने डाकू का डैश कर दिया, बहादुर लड़कों ने डाकू का काम तमाम कर दिया, तमाम होना तो क्या होगा, का काम तमाम कर दिया, सही। अब देखिए मिस एक दफा और बता रही हूँ, नंबर एक है जिक्र छेड़ना, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में मिस इसके जुमले बनवाएंगी। नंबर दो आए दिन, नंबर तीन डैश सुनाना, नंबर चार चेहरा उतर जाना, तमाम होना, खैर खबर लेना, हिम्मत हारना। अच्छा अब आइए, अब सबके देखते हैं सब क्या सवाल पूछ रहे हैं मिस से। जी जी बेटा, यस बेटा, जरा थोड़े से आज इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मोबाइल से और मिस कंप्यूटर से कर रही है, लैपटॉप थोड़ा सा अभी खराब सा हो गया था, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कल से इंशाल्लाह परेशानी किसी को भी नहीं होगी। आज थोड़ी इसकी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस शायद करना पड़े, वैसे हमारी कोशिश ये थी कि नहीं हो प्रॉब्लम आप लोगों को, और यकीन है कि नहीं हो रही होगी प्रॉब्लम आप लोगों को, है ना, समझ में आ रहा है, नहीं हो रही प्रॉब्लम, थैंक यू बेटा सामा। यस हलीमा, हलीमा ओवर टू यू बेटा। मुतज़ा इसके बाद, हाँ हलीमा काइंडली शो मी योर वर्कशीट जो अभी हम लोग कर रहे थे महावरात की। ओके शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। हुरिया जी आप कुछ पूछ रही थी, हुरिया या सलीमा, जबरदस्त बेटा, हैंड ऊपर हो गया था, अच्छा अच्छा सही, ठीक है, जैन ने काम कर लिया, वेल डन। अरहम वर्कशीट दिखाई अपनी, मुर्तुजा के बाद आपकी बार बार ये वर्कशीट दिखाने की बेटा। हाँ अरहम, मुर्तुजा आप दिखाइए बेटा वर्कशीट दिखाइए बेटा। वर्कशीट दिखाइए, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। अब बीहा ने भी कर लिया, असरा वर्कशीट दिखाइए, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग सवाल करते हैं मजमून अवेसी के बारे में, ठीक है, मजमून अवेसी से क्या मुराद है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मजमून अवेसी, ठीक है। हाँ थोड़ी देर जरा मिस वीडियो जरा देख लें, यस असरा दिखाइए बेटा वर्कशीट दिखाइए, ओवर टू यू। जी बेटा जी, नहीं वर्कशीट मेरे पास नहीं है, असरा जोर से बोलिए, वर्कशीट मिस नहीं है मेरे पास,
आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है टीचर की? जी जी आ रही है। मिस वर्कशीट नहीं मेरे पास। वर्कशीट नहीं है आपके पास? क्यों बेटा, ये वाली वर्कशीट नहीं मिली आपको? माइक ऊपर करके बताइए, जो आप बोल रही थी उसी तरह बोलकर बताइए बेटा। हाँ एनवेलप नहीं है आपके पास? नहीं मिस। अच्छा बेटा, आप जाइएगा स्कूल से तो पिक कर लीजिएगा एनवेलप, सही है? ठीक है, कोई मसला नहीं है। मिस ने अभी आप मोबाइल से पढ़ रही हैं, मोबाइल से काम कर रही हैं अभी? अच्छा, अभी मिस ने स्क्रीन शेयर कर रही है, आप उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए उस वर्कशीट का, ठीक है? सही है, ओके। कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा, काम नहीं रुकना चाहिए हमारा। मुझसे जी बेटा वर्कशीट दिखाइए अपनी। पूरिया पूरिया बेटा वर्कशीट दिखाइए अपनी, डन कर ली महाभारत वाली। अब हाँ 5 मिनट बाद, जबरदस्त, वेल डन, ग्रेट, एक्सीलेंट। हाँ अरहम, अरहम आसिफ, ओल्ड अरहम, प्रीवियस अरहम, यस, वर्कशीट दिखाइए। हमारी क्लास में अब 2 अरहम हो गए, अरहम आसिफ 2 हैं। एक हमारे साथ जो हमारे क्लास 4 से पढ़ते वाले न्यू एडमिशन है अरहम। अरहम बेटा न्यू एडमिशन, आपका नाम भी अरहम आसिफ है, ठीक है? अरहम आसिफ जो न्यू एडमिशन है, काइंडली अपनी वीडियो ऑन कीजिए और अपनी वर्कशीट दिखाइए बेटा। मिस मेरी जो वर्कशीट है ना वो अभी है नहीं मेरे पास, सिर्फ एनवेलप है। एनवेलप के अंदर वर्कशीट हो गया ना बेटा? अच्छा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अभी मिस ने शेयर करी है, आप तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसके आंसर लिख लीजिए सर। यस, अब 5 मिनट बाद हम लोग मिस आपसे सब सवालात करती हैं आप लोगों से। हाँ अरहम, 5 मिनट बाद मैं सबसे सवालात करती हूँ जो हमने लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था मजमून अवेसी के बारे में, सही है? ठीक है, मजमून अवेसी से क्या मुराद है थोड़ा सा ये देख लीजिए, जिनको एक दफा देखना है इसका, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, जिस तरह भी उसको करना है आप देखिए। ये वाली हमारी वर्कशीट है आज की, सही, ये वाली वर्कशीट की हमने आज की। असरा, अरहम आसिफ, अरहम आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको देखकर उसके जवाब लिख दीजिए। ओके अभिया, वेट अभी है बेटा। हाँ यस अभी, हाँ ताहा, वेरी गुड ताहा। मिस हम लोग को मजमून अवेसी कब सबमिट करवानी है? मजमून अवेसी आप इस वीक के फ्राइडे तक सबमिट करवा दीजिए, ठीक है? हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है, आपने देखा होगा होमवर्क आ गया है जी, तो आपको टाइम हमने फ्राइडे तक का ही दिया है। आप लोग फ्राइडे को, जो कमिंग फ्राइडे है, जब तक सबमिट करवा दीजिएगा आप लोग। आपने जहाँ मजमून लिखा उसके पिक्चर लेके वहाँ सबमिट करवा दीजिए, सही है? सरसाद हमारी क्लास लेंगे आज? सरसाद जी हाँ लेंगे, उन्होंने एज में भी लिया तो आपकी क्लास भी होगी अब, ठीक है? अगर ना हो तो बता दीजिएगा फिर हमें। मामून, यस ओवर टू यू मामून जी, वर्कशीट दिखाइए बेटा। हाँ जी बेटा, कहाँ है आप? अब अंधेरे में है, खोलिए वर्कशीट दिखाइए जल्दी से, फिर मजमून अवेसी के ऊपर आते हैं। उसामा वर्कशीट दिखाइए बेटा, जबरदस्त। मामून वर्कशीट दिखाइए बेटा, जबरदस्त मामून, वेल डन। ये चीज, हाँ ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि फ्राइडे को आप लोग, हम लोग इसके जुमले बनाएंगे, फिर जब आपके असेसमेंट होंगे ना जुलाई में, 20 मार्क्स का असेसमेंट मिस लेंगे आपसे, टेस्ट 20 मार्क्स का, तो उसमें ये महावरात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सही? यस उसामा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? Yes, ये लिखा हुआ है थैंक यू फॉर चूजिंग Zoom, मतलब ये कह रहे मीटिंग वाज गोइंग टू एंड, मतलब एंड होने वाली मीटिंग। कैसे हो सकता है? नहीं मीटिंग में तो टाइम है बेटा अभी। यस मिस ये हो रहा है, मिस ये हो रहा है, मेरे पास मैसेज आया है।
हाँ मेरे पास भी मैसेज आया कह रहा है आपकी मीटिंग 45 हो गए पूरे 45 मिनट्स पूरी हो गई क्या नहीं मिस 11:30 हो रहा है सो व्हाई इट इज ये क्यों आ जाता है हालांकि 45 मिनट्स हैं बेटा अभी हमारे पास तो मतलब कि हमारे पास 5 मिनट्स 10 मिनट्स हैं अभी अच्छा आपने बता दिया बेटा असामा अनम्यूट कर लीजिए अब माइक म्यूट कर लीजिए सॉरी हाँ अब देखिए हाँ सबको आवाज आ रही है यस मुर्तजा अब मैं आपसे पूछती हूँ मजमून अवेसी के कितने उसूल होते हैं मजमून अवेसी के कितने उसूल होते हैं बेटा यस हाँ मजमून अवेसी को तीन स्टेप्स पे लिखते हैं ना हम लोग तीन उसूल होते हैं कौन कौन से नंबर वन बता दीजिए चले नंबर एक उसके बाद मामून से मिस पूछेंगे वो उसामा से उसके बाद आरम आसिफ से आरम आसिफ मतलब हम जो पुराने बच्चे हैं यस मुर्तजा आपकी आवाज नहीं आ रही माइक करीब कीजिए नंबर पहला स्टेप क्या होता है मजमून लिखने का पहला स्टेप मजमून हम लिखते हैं ना है ना मजमून अवेसी किसी भी उनवान में मजमून लिखते हैं हम पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था सिखाया था मजमून लिखने के तीन अज्जा होते हैं तीन स्टेप्स होते हैं नंबर पहला कौन सा होता है अच्छा इंग्लिश में बताइए नंबर पहला कौन सा होता है अनम्यूट कर दिया मिसने आपको हाँ बताइए मुर्तजा जल्दी पहला स्टेप कौन सा होता है नहीं आता आपको पहला होता है तारुफ इंट्रोडक्शन जो भी उन्वान दिया गया है उसका तारुफ बयान करना अब आइए मामून मामून नंबर टू स्टेप कौन सा होता है मजमून अवेसी का बेटा मिस जगह जी जी नंबर दूसरा स्टेप कौन सा होता है मजमून अवेसी का एक तारुफ हो गया नंबर दूसरा कौन सा होता है अभी यहाँ आप बताइए सेकंड स्टेप ऑफ मजमून अवेसी का दूसरा यस वेरी गुड उसको हम कहेंगे नफ्से मजमून शाबाश जबरदस्त अब आइए उसामा वेयर इज उसामा चले अबीर से पूछते हैं अबीर ओवर टू यू यस अबीर अबीर थर्ड स्टेप कौन सा होता है मजमून अवेसी का वजूहात वजूहात थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप हमारा कौन सा था ये जो बता रहे ना बेटा इख्तिताम शाबाश हम इख्तिताम कैसे कर सकते हैं अपने मजमून का टीचर हमें इख्तिताम अपना अच्छी तरीके से लिखना चाहिए क्या क्या हमारे मजमून में और दिलचस्पी पैदा हो शाबाश जैसे कि आप अभी बहुत अच्छा कहा आपने हम इख्तिताम पहले भी आपको मिसने बताया कि तारुफ और इख्तिताम ऐसा दिलचस्प होना चाहिए कि जब पढ़ने वाला हो ना कारी मतलब पढ़ने वाला वो इतने उसमें दिलचस्पी पैदा हो कि वो पढ़ता ही जाए आगे आगे और एंडिंग ऐसे हो ऐसा हो कि उस वो मालूमात जो आपने दी हैं वो उसको दिलचस्पी हो उसको याद रहे मालूम ठीक है आपको पहले हमने दिया था कि शहर कराची के ऊपर बहुत आसान था ठीक है अब नेक्स्ट वीक आपको हम दो उनवान देंगे उसमें किसी एक पे लिखना होगा उसी तरह मजमून अवेसी अच्छी तरीके से बिल्कुल खुद से लिखनी होगी आपको बेटा ये नहीं कि इधर उधर से नेट से देख लिया नहीं क्योंकि आप जो लिखेंगे हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपने कैसे लिखा है क्या लिखा है सही है ठीक है अब हमें मजमून अवेसी के तीन स्टेप्स होते हैं तारुफ नफ्से मजमून इख्तिताम नफ्से मजमून में क्या आता है तमहीद तमहीद तारुफ हो गया नफ्से मजमून में क्या आता है वजूहात दलाइल हम लोग नफ्से मजमून लिखे तो उसकी हमारे सारे इम्पोर्टेंस यूजेस और अथेंटिक जो चीज बातें हों हम उसके मुताबिक मुताबिक ही हम अपना काम करें अपना मजमून लिखें ठीक है बेटा आप लोगों को हमेशा ये समझाया है कि अगर आपको किसी भी जबान में पुख्तगी चाहिए होती है मतलब कि आपको आपको परफेक्शन चाहिए किसी भी जबान में तो आपको क्या करना होगा आपको उसके लिए जुमले साजी करना होगा जुमले बनाने होंगे या तो मजमून अवेसी में पुख्ता होना होगा आपको सही जैनब यू आर लेट बिकॉज अब हमारी क्लास का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है
सही है, क्योंकि मीटिंग भी हमारी एंड होने वाली है। आज हमने पढ़ा है महावरात, महावरात की वर्कशीट आप कर दीजिए और बराए मेहरबानी आप सब अपने मजमून अवेसी जो है करके पोर्टल पे जमा करवा सबमिट करवा दीजिएगा अपना होमवर्क। और फ्राइडे को गेट रेडी फॉर द क्विज, आप लोगों को मिस ने होमवर्क टेस्ट असाइन कर दिया है, काइंडली अपने पोर्टल पे जाइए यूनिवर्सिटी पे, वहां जाकर देखिए नोटिफिकेशन क्या मिला है आपको, और आपको मिस ने उनवान भी वहां मेंशन कर दिए हैं, उनवान की तैयारी करेंगे आप तो आपको क्विज करने में आसानी होगी। आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा वहाँ पे, आपके पास 55 मिनट्स होंगे, 55 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्विज करके सबमिट करना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अभी उर्दू टाइपिंग आपको आती नहीं है, सही गलत जो है, सही गलत नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सही पे आपको ऑप्शन पे टिक करना होगा और सब कुछ फॉर्म करने के बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, सही है, सही है। चलिए अब हमारी क्लास का टाइम खत्म होता है, अब आप लोग उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद है कि आज आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।